हज ये है कि आपने अल्लाह ने आपको जो ऑर्डर दिए थे आप वो पूरे साल पूरे करते रहे हैं, मगर उनमें दीवानगी का इजहार नहीं है। अल्लाह कहते हैं कि जिंदगी में एक दफा एहराम बांध के आओ, प्रॉपर ड्रेस पहनने की इजाजत नहीं है, और दीवानों की तरह बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाओ, सफा मरवा में दौड़ो। हालांकि कौन सी बात है भी, दौड़ना तो कोई इबादत नहीं कहलाती ना। अल्लाह ने कहा दौड़ो बैतुल्लाह के गिलाफ से लिपट के, बैतुल्लाह के दरवाजे से अपने रुखसार को रगड़ के मेरे सामने रो, जैसे महबूब किसी से लिपट के मोहब्बत का इजहार कर रहा होता है। मैदान अरफात में मिट्टी में अपनी नाक को रगड़ो। तो ये जो अल्लाह ने इबादत का एक खास तरीका रखा है, ये तरीका सिर्फ उनको समझ में आएगा जो दीवानों की तरह अपने रब से मोहब्बत करते हैं। जिनकी तबीयत में दीवानों वाली मोहब्बत नहीं है, वो इस तरीके को, इस तरीका इबादत, ये वाला तरीका उनकी समझ में नहीं आएगा। वो कहेंगे ये क्या है भाई, हम थ्री पीस सूट टाई पहना करते थे, अल्लाह मियां ने बोला एक धोती पहनो ऊपर से एक चादर, ये क्या है, वहां जाके क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, हजरे अस्वद को चूम रहे हैं, क्या एक पत्थर ही तो है भाई, उसको क्यों चूम रहे हैं भाई, बैतुल्लाह का, बैतुल्लाह से निस्बत है उसकी, ये अल्लाह का घर है। कैसे दीवारों से लोग रुखसारों को लगा रहे होते हैं, वहां वो शेर याद आता है, अमुर्रु मिनत दियारी दियारी लैला वकब्बिलु ذل جدار وذل جدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار। जो मजनू था ना, वो लैला के घर दरो दीवार, उस जमाने में महबूबाएं पर्दा किया करती थी, ठीक है ना, डेट वेट का सिस्टम ईजाद नहीं हुआ था, मोबाइल पे इजी लोड और ये सब मिस कॉलें वॉस कॉलें चलती नहीं थी, कबूतर को बाजी होती थी, वो कबूतर लेके आता, वो कबूतर बाज हवा कहीं और भी चला जाता था, ठीक है ना। तो बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये जो मजनून है ना, ये लैला के इश्क में क्या कर रहा है, उसकी दीवारों के गिर चक्कर लगा रहा है, और बड़े सख्त पहरे हैं गैरतमंद मर्दों के, वो निकलने नहीं देते, तो ये चक्कर लगा रहा है और फिर महबूबा की दीवारों को चूम रहा है, फिर लोगों से कहता है कि भाई अमुर्रु मिनत दियारी दियारी लैला वकब्बिलु ذل جدار وذل جدار, लोगों में लैला के दरो दीवार के गिर्द घूमता हूँ, कभी इस दीवार को चूमता हूँ, कभी इस दीवार को, लोगों इतना पागल नहीं हूँ कि मुझे दीवारों से मोहब्बत हो गई है, वमा हुब्बु दियारी शगफना कल्बी, तुम मुझे देखकर पहले ही मजनू के ताने मुझे मिल रहे हैं, लोग दीवाना कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं, कह रहे हैं अल्लाह की कसम इतना पागल नहीं हो कि दीवारों से मोहब्बत हो जाए, वलाकिन हुब्बु मन सकनत दियारा, इन दीवारों की निस्बत जिस महबूब की तरफ है, उस महबूब की मोहब्बत ने मुझे दीवारों को चूमने पर मजबूर कर दिया है, ये रिश्ता खत्म हो जाए, ये दीवारें मेरी नजर में दो टके की नहीं है। बैतुल्लाह की दीवारें भी सीमेंट गारे की बनी है मेरे भाई, उसका गिलाफ भी कपड़े का गिलाफ है, वो कोई मरीख से नहीं आया हुआ, यही सीमेंट, यही बजरी, यही रेत, इसी से वो ईंटें बनी है, लेकिन उन ईंटों को देखने के लिए, उस गिलाफ को चूमने के लिए, उस गिलाफ के गिर्द तवाफ करने के लिए हम 6-6, 7-7 लाख रुपए खर्च करके जाते हैं, और लाखों के मजमे में जहां फिसलने का भी खतरा हो, जान का भी खतरा हो, उस बैतुल्लाह के गिर्द घूमते हैं। उसकी वजह भी यही है कि हमें उन दीवारों से मोहब्बत नहीं है, उन दीवारों की निस्बत किसकी तरफ है, खालिक़े का है, उसने कह दिया कि ये किसका घर है, रहता भी नहीं है वो वहां पे, रहता भी नहीं है, बनाया भी इंसानों ने उसको, लेकिन रब ने क्या कह दिया, ये घर किसका है, मेरा, बस इतनी निस्बत हमारे लिए काफी है। बैतुल्लाह से इश्क करने के लिए, बैतुल्लाह से मोहब्बत करने के लिए हमारे लिए इतनी दलील काफी है कि इस बैतुल्लाह को ये रब ने क्या कह दिया इसके बारे में कि किसका घर है, मेरा, बस इतना कह दिया, अब हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए इसके लिए, कोई सबूत नहीं चाहिए, मजीद कोई सबूत नहीं चाहिए, ये निस्बत हमें मजबूर करती है कि हम लाखों लाखों रुपए खर्च करके उस घर की जियारत के लिए जाते हैं और अपना पसीना वहां जाके बहाते हैं। कितनी टेंशन मैंने बूढ़े बूढ़ों को देखा है, बूढ़े बूढ़े लोगों को देखा है, कितनी टेंशन, ये तो आज बैतुल्लाह की जियारत आसान हो गई, जब बैतुल्लाह की जियारत आसान नहीं थी, लोग जब बैतुल्लाह पे पहली नजर पड़ती थी बेहोश हो जाया करते थे, अटैक हुए लोगों को, मौत हुई है लोगों की। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया
اور کیا اعلان کیا؟ اے اللہ اس ایسی زمین پہ گھر بنا رہا ہوں جہاں نہ گھاس کا تنکا اور نہ پانی، لیکن تو اس جگہ کو ایسا بنا دے کہ تہوی الیہ افئدۃ الناس، کہ لوگوں کے دل اس کی طرف لڑکنا شروع کر دیں. کوئی انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے وہاں پہ، مری میں ہوتا، سوئٹزرلینڈ میں ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے بھائی اصل میں تو سوئٹزرلینڈ ہے، نام بیت اللہ کا لیا جا رہا ہے، دیکھنا کیا چاہتے ہیں مولانا صاحب، سوئٹزرلینڈ گھومنا چاہ. اللہ نے ایسی جگہ بنایا سنگ لاکھ پہاڑ، یہ تو اب آباد ہو گیا، ورنہ تو آپ جہاز میں دیکھتے ہوں گے چٹانے، خوش سنگ لاکھ چٹانے. ایسی جگہ بنایا کہ یہاں آنے والا سوائے بیت اللہ کی محبت کے اس کے دل میں اس کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ آج وہاں جدہ پہ جو کچھ ہوتا ہے، جدہ ایئرپورٹ پہ سب جانتے ہیں، لوگ کیوں برداشت کرتے ہیں کسی اور ایئرپورٹ پہ اتنی سختی ہو اور یہ کچھ ہو، لوگ اس ملک میں جائیں گے؟ چھوڑ دیں گے. یہ بیت اللہ کی محبت ہے جو لوگوں کو کھینچ کے لاتی ہے. تو اللہ نے حج کیوں رکھا ہے؟ دیوانگی کے اظہار کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اسلام کا ذائقہ چکھ لے گا وہ شخص جس نے اللہ کو اللہ مان لیا، نبی کو نبی مان لیا، اور اللہ کی کتاب کو کتاب مان لیا. تو آپ نے فرمایا اسلام کا ذائقہ، اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں کیا ہے، ایک چاشنی، ایک لذت ذائقہ ہے. ایک آپ ملکی قوانین کو فالو کرتے ہیں، اس میں لذت نہیں ہے، چاشنی نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے دین پہ چلتے ہو تو اس میں اللہ نے ایک ذائقہ بھی رکھا ہے، لطف اور مزہ بھی رکھا ہے. لیکن یہ لطف اور مزہ صرف انہی کو محسوس ہوتا ہے جو اللہ کو اللہ ہونے کے لحاظ سے راضی ہو جاتے ہیں اور اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور جذبے کے ساتھ. علماء کہتے ہیں وہاں جا کے برائیاں کرنا، اس سے وہاں کی جو ایک روحانی قوت وہاں ملنی چاہیے تھی وہ قوت کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی. تو اللہ تعالی ہمیں بھی زیارت نصیب فرمائے. تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب، لائک، شیئر. مفتی سفیان.